हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। एज यू नो, आज 1 जून अनलॉक 1 का ये पहला दिन। इससे लगभग 2-2.5 महीने के लॉकडाउन पीरियड में हमारी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब रही है। फिर भी आई होप आपने कुछ तैयारी की है। लॉकडाउन से पहले मार्च में हमारा मैथ्स का पेपर होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया, जिसकी अब नई डेट 18 जून निर्धारित हो गई है। तो अब हम कुछ वीडियोज केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जो 18 जून को अपना मैथ्स का पेपर देंगे, उसमें हर वीडियो में 5-10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा। वीडियो के शुरू में ही मैं ये बात कह देता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे मत समझिए कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बस पिछले सालों के पेपर्स को स्टडी करने के बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, एकदम सेटअप लगभग 50-60 क्वेश्चंस का तैयार किया है, जो एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन हैं और अपनी एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की बुक में से ही हैं। तो अभी कुछ वीडियोज आएंगे, 5-7 वीडियो, जिनमें रोज 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इस प्रकार से मैं सॉल्व करवाऊंगा। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन शामिल कर रहा हूं मैं, दोनों लैंग्वेज में साथ चलेगा। वीडियो को केयरफुली देखें, इससे आपको सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि पीछे की जो तैयारी की हुई है वो एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाए, बस यही इन वीडियोस का उद्देश्य रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और एक ऐसा क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, बस डेटा चेंज करके। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, पहले हिंदी में लिख देता हूं, निम्न व्यवरोधों के, आप भी नोट कर लीजिए, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत सुसंगत हल क्षेत्र उत्तर पुस्तिका में दर्शाई। आप इन्हीं क्वेश्चन के भरोसे नहीं रहेंगे। व्यवरोध आपको दे रखे हैं 2x plus y is greater than at x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। इंग्लिश में लिख दीजिए, show that feasible reason in your answer book। Under given constraints, two x plus y is greater than equal to at x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। ऐसा क्वेश्चन ऑलमोस्ट 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 लगातार पूछा गया। बस ये नंबर्स चेंज कर देता है, एक्स और वाई की कोफिशिएंट चेंज कर देता है, सामने वाले डिजिट चेंज कर देता है, कभी ग्रेटर देन इक्वल टू, कभी लेस देन इक्वल टू, लगातार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। मैं सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जिनको पूरी साल भर आपने पढ़ा है उन्हीं को रिकॉल करूंगा, और ये एक नंबर का क्वेश्चन हम विद इन सेकेंड बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एक मिनट भी नहीं लगेगी इसमें। क्या है देखिए, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, सॉल्यूशन में एक नंबर के लिए आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, ज्यादा लंबा चौड़ा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो दिए गए कंस्टेंट्स है वो क्या क्या है। कंस्टेंट है 2x plus y is greater than equal to 8। ओके, फिर दूसरा है x is greater than equal to 0 और y is greater than equal to 0। सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे, अपनी जो आंसर शीट होगी उसमें क्या लिख देंगे, दिए गए व्यवरोध इसमें गिवन कंस्टेंट्स
जैसे ये कंस्टेंट आपने रखा है, इनइक्वालिटी को सबसे पहले हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं, 2x plus y is equal to x, इस को आप इक्वालिटी में चेंज कर देते हैं x equal to 0 और इसे इक्वालिटी में चेंज कर देते हैं y equal to 0। अब आपसे पूछता हूं x equal to 0 किसकी इक्वेशन होती है, ये y एक्सिस की इक्वेशन होती है और y equal to 0 जो है वो x एक्सिस की इक्वेशन होती है। ओके अच्छा जी, अब यहां से ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, इस इक्वेशन को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, 8 से डिवाइड करके मैं लिख रहा हूं x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। बहुत आसान सा काम है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये तीन कंस्ट्रेंट आपके सामने है, आपको x एक्सिस ड्रॉ करनी है, y एक्सिस ड्रॉ करनी है और ये लाइन जो आपके सामने है इस लाइन को शो करना है। कैसे, सबसे पहले मैंने ये y एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये x एक्सिस, x एक्सिस पर क्या होता है हमेशा y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस पर x इक्वल टू 0। ओके अच्छा, ये लाइन है, अब ये लाइन ड्रॉ करना बहुत आसान सा काम है, x के नीचे क्या 4 है, तो 1 2 3 4, मैं कंसेप्ट में ही समझा रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूं। ओके y के नीचे 8 है तो y के नीचे बॉक्स काउंट करने, बॉक्स क्या अपने स्केल से सेंटीमीटर अपने को आंसर से, ये और एक और बात, ये ग्राफ जो बनेगा इसे हमें ग्राफ पेपर में नहीं क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ होता है कि शो द फिजिबल रीजन इन योर आंसर बुक, जो आपको आंसर शीट दी जाती है उसी शीट में आपको शो करना है, लेकिन शो करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप मन में आए वैसे शो कर दें, ये जो लाइंस है ये बिल्कुल सीधी खींचेंगे, उसके बाद में एक एक सेंटीमीटर पर आपको ये पॉइंट बनाने हैं, एक एक सेंटीमीटर पर 8 पॉइंट लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, ये आपने लाइन खींच दी। ओके इस लाइन की इक्वेशन भी आप यहां पर लिख दी, ये सारे काम आपको करने हैं, अगर इनमें से कोई सा भी काम छोड़ दिया आपने तो हो सकता है आपका नंबर कट हो जाए। अब ये बहुत आसान सा काम है, अब आ जाओ यहां पर कि इसमें ग्रेटर देन का साइन है। देखो ये जो दोनों इनइक्वालिटीज होती है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों इनइक्वालिटीज को हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। नॉन नेगेटिव हिंदी में ऋणेतर व्यवरोध, ऋणेतर का मतलब जो ऋण नहीं है, मतलब जो नेगेटिव नहीं है। अब नेगेटिव नहीं है, अब अक्ष नेगेटिव कहां नहीं है, देखो जैसे ही आपने अक्ष एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ की, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, इस क्वाड्रेंट में अक्ष पॉजिटिव होता है, यहां सेकंड क्वाड्रेंट में अक्ष नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में अक्ष नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में अक्ष पॉजिटिव। y की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में नेगेटिव। अब एक चीज देखो, अक्ष भी पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव का मतलब है जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है इसका मतलब जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकते हैं, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आप देखिए कौन सा क्वाड्रेंट आपको काम में लेना है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको काम में लेना, मतलब आपका जो फिजिबल रीजन आपको शो करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो करोगे, इन दोनों से बना सके। अब यहां आ जाओ, यहां पर आपको अगर ग्रेटर देन का साइन मिलता है तो जो आपकी ओरिजिन है मूल बिंदु उसके दूर, ओके, और लेस देन का साइन मिलता है तो ओरिजिन की ओर। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और ओरिजिन से दूर होना चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है तो ऊपर की ओर आएगा। बस पेंसिल से आपको ये जो एरिया है इस एरिया को ऐसे शो कर देना, बस आगे ये इनफाइनाइट तक ऐसे शो, ये आपका फिजिबल सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, इसे हम कहेंगे फिजिबल सॉल्यूशन रीजन। ओके यानी सुसंगत हल क्षेत्र। ओके और ये है अनबाउंडेड, अनबाउंडेड यानी अपरिबद्ध क्षेत्र है,
ध्यान दीजिए, अगर मान लो इसमें लेस देन का साइन होता तो एरिया जो है ओरिजिन की ओर आता, ओरिजिन की ओर आता तो ये वाला एरिया आता। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और लाइन के नीचे का एरिया कौन सा है, सिर्फ ये ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल जो है वो चारों ओर से पूरी तरह से बाउंड है, तो ऐसा रीजन होता है बाउंडेड रीजन, परिबद्ध क्षेत्र। हालांकि ये सारी बातें हमें लिखने की नहीं है, जितना मैंने आपके सामने शो किया आपका काम है कि अगर आपने सही तरीके से इसको शो कर दिया। हाँ एक गलती होती है, हम इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नहीं लिखते, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 और वाई एक्सिस पर कुछ भी नहीं चले, 0। यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं तो एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर कितना चले आप 8, तो 0.8 ओरिजिन के वो 0 0 होते हैं। अगर आप इतना ग्राफ बना लेते हो ये सब लिख करके, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब वो पूरी लैंग्वेज की ओरिजिन को पुट करते हैं, लेस देन आता है ग्रेटर देन आता है, वो पूरी नाम कहानी आपको नहीं लिखनी है। एक नंबर के क्वेश्चन में पॉइंट टू पॉइंट आप सिर्फ ये शो कर देंगे, हाँ ये एरो के निशान लगाना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखना, इनकी इक्वेशन लिखना, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखना, ये सारी बातों का ध्यान में रखते हुए इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली एक नंबर के लिए हमेशा पूछा जाता है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सबसे पहले शामिल किया। ओके, एक नंबर का क्वेश्चन एस पूछा गया है आज तक और पूछा जाएगा, डिजिट चेंज हो जाएंगे ये। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट, क्वेश्चन एक नंबर का प्रोबेबिलिटी से, और ऐसा क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, आपके सामने लिखा हुआ है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ऑफ ए इक्वल टू 0.2, पी ऑफ बी इक्वल टू 0.5, तब पी ऑफ ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड पी ऑफ ए इक्वल टू 0.2, पी ऑफ बी इक्वल टू 0.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो पी ऑफ ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक नंबर का क्वेश्चन है, मैं ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट ये सीधे। अब आप ये बताइए, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ओ। याद आ रहा कुछ? दो स्थितियां होती हैं, ये तो जनरल फॉर्मूला होगा पी ऑफ ए बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, आप हिंदी में लिख सकते हैं, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी। मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, ये जो इंटरसेक्शन है ये किसमें चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। ओके, अब अगली बात आती है, एक और नाम आता है इंडिपेंडेंट के अलावा, म्यूचुअली एडजस्टिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अपवर्जी घटनाओं के केस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है? उस केस में तो ये फॉर्मूला यहीं पर सिमट जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ऐसा बोला जाता है कि इन द केस ऑफ म्यूचुअली एडजस्टिव इवेंट पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, तब क्या होता है, यूनियन सिर्फ प्लस में बदल जाता है, ये पार्ट आता ही नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में ए इंटरसेक्शन बी को पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिखा जा सकता है, मतलब यहां पर आप ये रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे रिप्लेस करेंगे, अब आपसे पूछू कि बताओ पी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो गया, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है 0.2 प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है 0.5 माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू 0.2 इंटू 0.5। देखो ये हो जाएगा 0.7 माइनस, यहां अगर मैं देखूं तो क्या लिखूंगा, 0.10 लिख सकता हूं, जी में देख पा रहे हैं 0.10 यानी 0.1,
अब 0.7 में से 0.1 माइनस होगा तो 0.6, ये आपका आंसर होगा। एक नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, जरूरी नहीं है कि एज इट इज ऐसा ही। कई बार आपको ए सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी पूछ के रह जाता है, कई बार आपसे पी ऑफ ए ओब्लिक बी पूछ लेता है, पी ऑफ बी ओब्लिक ए पूछ लेता है, ठीक है, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार ऐसे पूछ लेता है। तो ये सारी इस टाइप के जो क्वेश्चन है उन पर आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी एनसीईआरटी में और राजस्थान बोर्ड की बुक में ऐसे खूब सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके चलो, हाँ तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। मैं जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है x e की पावर x को इंटीग्रेट करना, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में कुछ कई बार है, सिंपल x log x पूछ लिया या सिर्फ log x पूछ लिया या x sin inverse x, x e की पावर x को शामिल किया, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन एक नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, अगर एक नंबर के लिए पूछा जाए तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है, अगर क्वेश्चन दो नंबर के लिए पूछा जाए तो फॉर्मूला लिख देना u into v का। ओके मैं एक नंबर मानते हुए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे इसको देखो, फर्स्ट और सेकंड किसको मानेंगे, हमारे पास में दो फंक्शन है x और e की पावर x। अब x कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और e की पावर x कैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आइलेट के हिसाब से देखें तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आएगा, या वैसे भी बात करें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी कभी आता है तो वो सेकंड का ही काम करता है। इसको सेकंड मानते हुए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का होल इंटीग्रल। तो देखिए ये हो गया x e की पावर x माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो गया, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x हो गया, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c, ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो e की पावर x को कॉमन लेकर के ये आंसर आप शो कर सकते हैं। बात खत्म, एक नंबर के लिए इतना मीटर काफी है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो शामिल किया है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, क्वेश्चन नंबर 4, और ये है समीकरण cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x इज इक्वल टू 2π/3 को हल कीजिए, ठीक है, इंग्लिश में सॉल्व द इक्वेशन, और ये इक्वेशन लिखिए। ओके बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखो, हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है वो है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई, प्लस होता है तो आता है माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा, यहां x की जगह तो ठीक है x है, लेकिन y की जगह कौन आ गया 2x, तो मैं यहां एक लाइन लिख देता हूं, पुट y इज इक्वल टू 2x, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2y, सॉरी 2x, y की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूं 2x, इधर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू 2x माइनस रूट वन माइनस x स्क्वायर रूट वन माइनस 2x का स्क्वायर। क्लियर है, अब आ गया, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या है, किसके इक्वल है 2π/3 के, बात क्लियर है, इक्वल टू ये हो गया cos इनवर्स 2x स्क्वायर हो गया माइनस रूट में हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में हो गया 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं, ये कोस इनवर्स है इसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा कोस 2π/3 इज इक्वल टू ये हो गया 2 एक्स स्क्वायर माइनस, याद रखिएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, क्या एक साथ इन पर रूट लगाया जा सकता है क्या? वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। कोस टू पाई बाई थ्री की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू पाई बाई थ्री, मतलब 120 डिग्री हो गया क्या? और कोस 120 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? कोस 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव और 90 पर कोस चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन 30 माइनस साइन 30 का मतलब हो गया माइनस 1/2 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस, ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया माइनस 5x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4x की पावर 4। यहां तक पहुंच गए, नोट कर लीजिए। अब ऊपर सॉल्व कर रहा हूं इसको, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब ये वाला टर्म है रूट वाली, इसको तो मैं इधर ले आता हूं, मतलब हो गया रूट वन माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स की पावर फोर, और माइनस वन बाई टू को उधर ले जाए तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू। रूट हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ओके आगे बढ़े, यहां से अगर मैं बात करूं वन माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स की पावर फोर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 4x की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 1 बाई 2, ये कैंसिल हो गया तो 2x स्क्वायर हो गया और 1 बाई 2 का स्क्वायर हो गया 1 बाई 4। यहां देखोगा 4x की पावर ये कैंसिल आउट हो रहा है इजीली। अच्छा जी, ये है 5x स्क्वायर माइनस का, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो 1 माइनस 1 बाई 4 कितने हो गए? 3 बाई 4, और ये 5x स्क्वायर माइनस का उधर चला गया तो 7x स्क्वायर। बात क्लियर है? तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3/28। अब x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/28। अब याद करो ऐसे केस में आपको बताया कि आंसर प्लस माइनस में आते हैं, आप दोनों लिख देते हैं तो भी सही माना जाता है, लेकिन जनरली एक ही आंसर लिखा जाता है, तो भाई कोई रूल नहीं है ऐसा, फिर भी एक आंसर हम क्या लिखेंगे? x इक्वल टू प्लस वाला ले लेते हैं। अच्छा 28 को मैंने लिखा 4 × 7, 4 का तो स्क्वायर रूट होता है 2, तो 1/2 और रूट 3/7, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अच्छा अब बताओ ये जो क्वेश्चन था कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 2x इज इक्वल टू 2π/3, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा क्वेश्चन है, मान लो यहां कोस की जगह पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x दे दिया, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा। टेन दे दिया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x इक्वल टू में कुछ भी दे दिया तो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस हो गया तो माइनस वाले फॉर्मूले लग जाएंगे। बात कहने के है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। ओके हाँ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है ये? एक डिटरमिनेंट है और इसे प्रूव करना है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर है? क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, ऐसे क्वेश्चन लगातार हमसे पूछे जाते हैं 3 नंबर के लिए। पहले ये क्वेश्चन जो डिटरमिनेंट का होता था वो बड़ा क्वेश्चन होता था 5 नंबर का, आजकल इसी नंबर कम कर दिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ज्यादा कुछ अपने को लिखना नहीं होता है, हो सकता है ये काफी लेंदी हो जाए लेकिन कंसेप्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, थोड़ा सा सोचने पर ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, अपनी बुक में टिक कर लेना कौन सा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। ओके तो मैं अब लिख रहा हूं इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, जिस भी डिटरमिनेंट को हमें प्रूव करना है उसे हम डेल्टा के इक्वल लेते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टू सी, यहां पर है ए यहां पर है बी, क्लियर है? फिर उसके बाद में सी बी प्लस सी प्लस टू ए और यहां नीचे है बी और फिर है यहां पर सी ए और सी प्लस ए प्लस टू बी, ये आपकी एलएचएस साइट है।
ओके अब इसको सोल्व कर रहा हूं मैं। सोल्व करने के लिए जो प्रॉपर्टीज आपने याद की हैं, मैं फिर से अगर दोहराऊं कि उनमें एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी P6 जिसका नाम होता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के सारे कॉलम या सारी रो जो है वो एक जगह पर जोड़ करके लिखी जा सकती है। ठीक है, प्रॉपर्टी की लैंग्वेज तो क्या है कि एक रो के सभी एलिमेंट्स को किसी कॉन्स्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में या दूसरे कॉलम में, अगर कॉलम के ले रहे हो तो कॉलम में और रो के ले रहे हो तो रो में ऐड कर सकते हैं। याद आ रहा कुछ? तो यहां पर प्रॉपर्टी में अगर अप्लाई करो, आप ध्यान से देखिए, अगर नीचे वाले सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो a प्लस, अच्छा सामने जो है वो एक बार मैं लिख देता हूं, आपको नहीं लिखना, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और यहां पर 2b है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैं इन सबको एक जगह इकट्ठा कर देता हूं, मतलब ये भी इसमें ऐड कर देता हूं और ये भी इसमें ऐड कर देता हूं, मतलब रो वन इज रिप्लेस्ड बाय रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री। ऐसा करने पर आपका जो डेल्टा है वो क्या बन जाएगा, ये प्रॉपर्टी आपने यूज किया, रो वन इज रिप्लेस्ड बाय रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? प्रॉपर्टी सिक्स है। अगर आप इनको ऐड करते हो, देखो ए और ए 2a प्लस बी और बी 2b और 2c ऑलरेडी पहले से ही है, तो क्या मैं दो को कॉमन लेकर के ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इधर देखो, जब ये इसमें ऐड होगा और ये भी इसमें ऐड होगा तो देखो सी कितने हो गए, दो हो गए, बी भी दो हो गए और ए भी दो हो गए, तो दो बार निकाल लो ए प्लस बी प्लस सी। इनको जब आपस में ऐड करोगे तो देखो सी दो बार आ गया, ए दो बार आ गया, बी भी दो बार आ गया, तो टू ए प्लस बी प्लस, मतलब तीनों रो को एक जगह जोड़ करके हमने आर वन को चेंज कर दिया, और ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। बाकी ये रो एज इट इज ए बी बी प्लस सी प्लस टू ए बी ए और सी प्लस ए प्लस ए टू बी। अब अगली स्टेप मैं लिख नहीं रहा हूं, अब डायरेक्ट लिखे क्या, इतना नोट करने के बाद में नीचे पॉइंट बढ़ाएंगे और लिखेंगे क्या कि फर्स्ट रो को ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो में रो वन में से टू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, टेकिंग कॉमन टू ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम रो वन। जैसे ये कॉमन आ जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, वन, यहां क्या हो जाएगा वन, और यहां पर भी क्या हो जाएगा वन, और जो कॉमन आएगा उसे मैं डिटरमिनेंट के बाहर लिख देता हूं टू ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका सेकंड स्टेप हो गई, क्लियर है? अगली स्टेप, थर्ड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ही किसी एक रो या एक कॉलम में वन 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 मिल जाते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। क्या, किसी एक को तो कर दो फिक्स, जैसे मैंने इस एक को फिक्स कर दिया और इसे इसमें से भी माइनस कर देते हैं और इसमें से भी माइनस कर, देखिए ये इधर माइनस हो रहे हैं, मतलब कॉलम के हिसाब से माइनस होंगे, ये एक इससे माइनस होगा तो ये इससे माइनस हो जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा, ये एक इससे माइनस होगा, ये ए इससे माइनस हो जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा। और दूसरा एक और भी तरीका अपने पास में ऑप्शन है, बट चलो ऐसे ही करते हैं, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, मतलब दो चीजें काम कर रहा हूं मैं, कॉलम टू को रिप्लेस कर रहा हूं कॉलम टू माइनस कॉलम एक को फिक्स करना, और कॉलम थ्री को भी रिप्लेस कर रहा हूं कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन। ऐसा करने पर आपका जो डेल्टा है वो देखो टू ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी पहले से है इसमें बाहर, अब ये माइनस करो इस वन को, ये पहले तो कॉलम वन को एज इट इज लिख दो, कॉलम वन पर कोई ऑपरेशन यूज नहीं किया हमने, कॉलम टू में से वन को माइनस किया तो ये रहा टू, इसमें से वन को माइनस, वन माइनस वन जीरो। ये भी प्रॉपर्टी सिक्स ही है, प्रॉपर्टी सिक्स के ही अलग अलग पार्ट है कि दो रो को आपस में जोड़ सकते हैं, दो कॉलम को जोड़ सकते हैं, दो रो को आपस में माइनस कर सकते हैं, दो कॉलम को आपस में माइनस कर सकते हैं, ये सारी बातें पढ़ी हैं आपने। ओके, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, ये जीरो बन गया, ये ए जब इसमें से माइनस होगा तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस टू ए माइनस ए, तो कितना हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी रहेगा। ओके, ये बी में से बी माइनस हो जाएगा, जीरो हो गया, काम खत्म। इसको इसमें से माइनस करो, जीरो, ये ए ए में से माइनस हो जाएगा, जीरो,
ये बी इसमें से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए सी। कॉरेस्पॉन्डिंग संगत अवयवों को आपस में माइनस करना है, जोड़ना है तो संगत अवयवों को आपस में जोड़ना है। अब जैसे ही किसी रो या किसी कॉलम में वन आ जाएगा बाकी सब जीरो आ जाएगा। फर्स्ट रो में यहां पर वन है यहां जीरो जीरो तो इसे आप हटा दो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यही आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू है। ठीक है, ध्यान रखें इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, प्लस पोजीशन है। अगर यहां ये वन होता यहां यहां जीरो होते तो वो वन ही नहीं, फिर वो उसकी पोजीशन माइनस होती। ये सारी बातें पढ़ी है अपने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट का ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट जो अभी 11th में है और इस वीडियो को देखेंगे तो फिर उनके दिमाग में आएगा ऐसा कैसे। तो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, कुछ ही वीडियोज के बाद में डिटरमिनेंट के बारे में जो ये बातें मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू टू ए प्लस बी प्लस सी, ये तो पहले से है और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, देखो इनको मल्टीप्लाई करना फिर माइनस लगा के इनको जी, तो ये होल स्क्वायर और ऑलरेडी एक पहले से है तो होल क्यूब, और ये आपको प्रूव करना था। इस प्रकार से ये तीन नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनमें कुछ चीजें चेंज कर देता है सामने क्या प्रूव करना है, तो इस टाइप के कुछ 10-15 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दे रखे हैं जो एक्सरसाइज नंबर 4 है राजस्थान बोर्ड की बुक में, तो उस वहां से आपको कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो अभी ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, ये 35-40 मिनट का हो गया होगा। तो इसमें 5 क्वेश्चन हमने किए, 5 क्वेश्चन आपको मॉर्निंग तक और मिल जाएंगे। 10-10 क्वेश्चन के ये 5-4 सेट जो है वो हम आने वाले इस वीक में सॉल्व करेंगे, जिससे आपका पीछे के कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिकॉल हो जाए, बस इतना सा उद्देश्य है इनका। ओके, और अब अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है, शुरू शुरू में तो जोर जोर में पढ़े, फिर बीच के अंदर ये लॉकडाउन लंबा होता गया तो हम आलसी होते गए, अच्छे से मैं जानता हूँ आप लोगों को। तो अब आप क्या करो, वापस से अपने आप को पटरी पर लेके आ जाओ ताकि आने वाले एग्जाम में हम मार्क्स अच्छे लेके आ सकें। ध्यान रखना मैथ्स में मार्क्स एक ही टारगेट होता है, 100/100 आपको ये स्कोर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और जो 11th वाले स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी अब तैयार हो जाओ, आने वाले सेशन में हमारा भी यही टारगेट होगा 100/100। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ये मार्क्स आए, हमारी पूरी साल भर यही कोशिश रहेगी। ओके, और जिनको जो मुख्य उद्देश्य है वो है 18 जून को जिनका पेपर है उनको अब वापस अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, एक पेपर बचा है। अगर आप अभी से अब शुरू से सारे कंसेप्ट सॉल्व करना शुरू करोगे तो बहुत आसानी से ये सारे काम हो जाएंगे और हमारे टारगेट तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। ओके?